हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टू गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हम जब स्टेप्ड फाउंडेशन बनाते हैं तो उसमें जो हम कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं उस कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस हमें किस तरह डिटरमाइन करनी है, उसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक की सहायता से आप आसानी से कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस होती है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है स्टेप्ड फाउंडेशन का। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसमें मैंने कंक्रीट का सिंबल दिखाया हुआ है, ये मेरा कंक्रीट ब्लॉक है। इस कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस किस तरह आपको डिटरमाइन करनी है, इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब हम ये देखते हैं तो इसके बाद जब मेरा ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है कंक्रीट ब्लॉक के बाद, तो उसके बाद हम खसके छोड़ते हुए जाते हैं। खसके तब तक छोड़ते हैं जिस थिकनेस में हमारी मेन सुपर स्ट्रक्चर में बॉल बनती है, तब तक हम क्या करते हैं, खसके छोड़ते हैं। पहला खसका मेरा मोस्टली 15 सेंटीमीटर का होता है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर के खसके छोड़ते हैं ब्रिक वर्क टू ब्रिक वर्क। जो मेरा कंक्रीट ब्लॉक टू ब्रिक वर्क जो मेरा खसका होता है वो मेरा 15 सेंटीमीटर का होता है, एंड ब्रिक वर्क टू ब्रिक वर्क होता है वो मेरा 5 सेंटीमीटर का खसका होता है। इसी तरह हम स्टेप्ड फाउंडेशन बनाते हैं, तो इसकी जो कंक्रीट ब्लॉक है इसकी थिकनेस किस तरह फाउंड डिटरमाइन करनी है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। इसमें आपके पास कुछ डाटाज होंगे जो टेक्निकली सभी के पास होते हैं, उसके बाद आप नॉर्मली आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दैट्स स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फॉर्मूला होता है स्मॉल डी इक्वल टू वर्गमूल ऑफ 3p इंटू जे स्क्वायर अपॉन स्मॉल m। सभी पे वर्गमूल चढ़ा हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स, d क्या है मेरा, d थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक है। उसके बाद p क्या है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो हमें पता होती है। जे क्या है मेरा, जे है मेरा ऑफसेट कंक्रीट ब्लॉक टू ब्रिक वर्क। ये मेरा कंक्रीट ब्लॉक टू ब्रिक वर्क, कंक्रीट ब्लॉक टू ब्रिक वर्क जो हमने खसका छोड़ा हुआ है, इसकी ये क्या है, चौड़ाई है। एंड m क्या है मेरा, मॉडुलस ऑफ रक्चर है। कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ रक्चर हम 1:4:8 जो हम कंक्रीट का रेशियो लेते हैं उसके लिए जो वैल्यू होती है वो मेरी 2.45 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 15 टन पर मीटर स्क्वायर है, मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो 1000 की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आ जाएगा 15000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जे जो मेरा ऑफसेट है वो मेरा 15 सेंटीमीटर है, ये मेरा 15 सेंटीमीटर ही होता है मोस्टली, ये मेरा 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद m मॉडुलस ऑफ रप्चर वो मेरा 2.45 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। मुझे d कैलकुलेट करना है जो मेरा सेंटीमीटर में कैलकुलेट होके आता है। तो उसके बाद जो मेरा फार्मूला होता है स्मॉल d इक्वल टू 3p जे स्क्वायर अपन m के ऊपर होल वर्गमूल, जब मैं इसमें इनकी वैल्यू पुटअप करूँगा, 3p की वैल्यू मेरी 15000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर थी, जे की वैल्यू जब मैं 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर का स्क्वायर अपान 2.45, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 20.32 सेंटीमीटर। मैं एक बात बताऊं आपको दोस्तों, जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक होता है, कंक्रीट ब्लॉक की मिनिमम थिकनेस हम 30 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसमें ये मेरा आंसर आया 20.32। ये सफिशियंट है अगर यदि हम टेक्निकली अकॉर्डिंग टू लोड जो हमारे पास टेक्निकली डाटा आया उसके अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 21 सेंटीमीटर में मेरा कंक्रीट ब्लॉक क्या होगा, सफिशियंट रहेगा। बट कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस है वो हम मिनिमम 30 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर वैल्यू मेरी इससे ज़्यादा आती है तो आप उससे ज़्यादा लेंगे ही, तो बिकॉज मिनिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इज 30 सेंटीमीटर। तो उम्मीद आपको वीडियो समझ आया होगा। इससे रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।